लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। ओके, स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी डाटा। जो हमारा सेकेंडरी डाटा है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होता है, जो डाटा पहले किसी ने अपने किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए उसने इकट्ठा किया था, उसको जब दोबारा से इकट्ठा किया जाता है तो उसे सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। उस जो कलेक्ट हुआ डाटा है उसी को दोबारा लेना। ओके, इसके दो मेथड है, एक पब्लिश सोर्स है और दूसरा अनपब्लिश सोर्स है। ठीक है, पहला पब्लिश सोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सोर्स जो पहले पब्लिश हो चुके हैं वहाँ से जब डाटा उठाया जाता है। देखो, या तो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है या तो उसको पब्लिश करवा दिया जाता है, मतलब उसको छपवा दिया जाता है या उसको नहीं छपवाया जाता है। तो अगर उसको पब्लिश करवा दिया जाता है तो उस पब्लिश डाटा को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये होता है पब्लिश सोर्सेज। और दूसरा होता है अनपब्लिश सोर्सेज, जिसको पब्लिश नहीं करवाया जाता है, ठीक है, उस डाटा को लेना। ओके, तो सबसे पहला इसमें फर्स्ट है पब्लिश डाटा का कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिश करवा दिया, फॉर एग्जांपल सेंसिस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने पब्लिश करवा दिया। आजकल कोरोना वायरस के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको पब्लिश करवाती है, मतलब जगह जगह में देखने को मिल जाता है, ठीक है, इतने हो गए हैं या इतने केसेस चल रहे हैं। तो जब वहाँ से डाटा उठाया जाता है तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से हमने वो सोर्स से सेकेंडरी डाटा उठाया। इसके बाद है रिपोर्ट ऑफ कम्युनिटीज़ एंड कमीशंस। क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे कमीशन और कम्युनिटीज़ होते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन और ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जब वहाँ से उनसे डाटा लिया जाता है, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था उसके बाद पब्लिश करवा दिया, जब उनसे डाटा लिया जाएगा तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा और उसका नेम होगा रिपोर्ट एंड कम्युनिटीज़ एंड कमीशन से हमने वो डाटा उठाया है। नेक्स्ट है कोई जर्नल या फिर कोई पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में आया, जब वहाँ से उठाया जाता है तो जर्नल एंड पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़। अगर कोई इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे जो हमारा IMF है, ठीक है, WHO है, अगर वो कोई पब्लिकेशन करते हैं, जैसे WHO है, वो हमारी कोरोना वायरस की रिपोर्ट बार बार हमें देते रहते हैं, तो उनकी अगर कोई पब्लिकेशन है उनको हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है। ओके, इसके बाद लास्ट है हमारा रिसर्च एंड स्कॉलर्स। क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे रिसर्च एंड स्कॉलर्स होते हैं, वो अपनी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उसको पब्लिश भी करवा देते हैं, ठीक है। जब वहाँ से डाटा उठाया जाता है उस रिसर्च से, तो उसे क्या बोला जाएगा, वो रिसर्च बाय स्कॉलर्स से, उन्होंने कोई वर्क डन किया है स्कॉलर्स ने, जब उस डाटा को लिया जाता है, ठीक है, तो ये भी सेकेंडरी डाटा होता है। तो हमारा अनपब्लिश आपको समझ आ ही गया था, ऐसा डाटा जिसको पब्लिश नहीं करवाया जाता है। जैसे क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस में डाटा कलेक्ट होता रहता है लेकिन उसको कभी पब्लिश नहीं करवाया जाता न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वो क्या होता है, अनपब्लिश। ऐसे ही जब स्कूल कॉलेज ऐसे गांव के सरपंच वगैरह से कोई डाटा लिया जाता है सेकेंडरी डाटा, तो वो अनपब्लिश सोर्स में आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।